जुबी ने को तो रस्ते में ही छोड़ दिया और जितनी मोहब्बत वो साइंस से करती थी उसका कुछ पल भी वो साइंस के साथ नहीं गुजार सकी और इन दोनों ने जल्दबाजी भी की सबर ना की और घर से भाग गए वैसी भी जुबी का बाप उसकी शादी साइन से करने के लिए राजी हो गया और वो उसे यही बताने के लिए जा रहा था मगर जुबी और साइम घर से भाग कर सबके लिए मुसीबत कड़े कर दी अब साइन जुबी के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता क्योंकि जुबी ने ही उसे छोड़ दिया था और वो उसे छोड़कर कर वहां से चली गई थी साइम ने तो दुनिया से बहुत ही ज्यादा मार खाई और फाइनली वो हॉस्पिटल भी पहुंच गया मगर अब वो जुबी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है निकाहते वैसे भी हम दोनों ने कर लिया था मगर वह साइंस जब भी को किसी भी तरह से कबूल नहीं करेगा और उसे कहेगा कि तुम मुझे आधे रास्ते में छोड़ कर चली गई थी अगर तुम मेरे साथ कुछ वक्त और गुजार लेती तो शायद हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाता लेकिन तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया मैंने तुम्हारी इज्जत भी बचाई मैंने तुम्हें उन लड़कों से भी बचाया जो कि तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए आई थी लेकिन तुमने फिर भी मेरा एतबार नहीं किया तुम समझती थे कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और घर से भागने के बाद सब कुछ आसान है मगर ऐसा नहीं है मैंने तो सबसे तुम्हारे लिए लड़ाई की और सबके सामने मैं कड़ा हो गया ताकि मैं तुम्हें हासिल कर सकूं लेकिन तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने ना आया करो और ना ही मुझसे रबता करो ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करो मगर ज़ुबिया अब भी साइं का पीछा नहीं छोड़ेगी और उसे बार बार मिलने की कोशिश करेगी और जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा तो उसकी खलाई ज़ुबिया और साइं को मिलाएगी और साइन से कहेगी कि ज़ुबी ने भी तुम्हारे खातिर इतनी तकलीफे जी दी है और दोनों ने काबी कर लिया है तो अब तुम दोनों एक दूसरे को कैसे छोड़ सकते हो तुम दोनों को तो अब एक होना ही पड़ेगा अगर तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे तो तुम दोनों की मोहब्बत का कोई मतलब ही नहीं और इतनी बदनामी भी हो चुकी है कि कोई इसे कबूल नहीं करेगा जुबी ने को तो रस्ते में ही छोड़ दिया और जितनी मोहब्बत वो साइं से करती थी उसका कुछ पल भी वो साइं के साथ नहीं गुजार सकी और इन दोनों ने जल्दबाजी भी की ना की और घर से भाग गए वैसे भी जुबी का वह उसकी शादी साइम से करने के लिए राजी हो गया और वो उसे यही बताने के लिए जा रहा था मगर जुबी और साइम घर से भाग कर सबके लिए मुसीबतें कड़े कर दी अब साइम ज़ुबी के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता क्योंकि जुबी ने ही उसे छोड़ दिया था और वो उसे छोड़कर वहां से चली गई थी साइम ने तो दानिया से बहुत ही ज्यादा मार खाई और फाइनली वो हॉस्पिटल भी पहुंच गया मगर अब वो जूबी की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है हैं हुए वैसी भी हम दोनों ने कर लिया था मगर अब साइंस जुबी को किसी भी तरह से कबूल नहीं करेगा और उसे कहेगा कि तुम मुझे आधे रास्ते में छोड़कर चली गई थी अगर तुम मेरे साथ कुछ वक्त और गुजार लेती तो शायद हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाता लेकिन तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया मैंने तुम्हारी इज़्ज़त भी बचाई मैंने तुम्हें उन लड़कों से भी बचाया जो कि तुम्हारी इज़्ज़त लूटने के लिए आई थी लेकिन तुमने फिर भी मेरा एतबार नहीं किया तुम समझती थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और घर से भागने के बाद सब कुछ आसान है मगर ऐसा नहीं है मैंने तो सबसे तुम्हारे लिए लड़ाई की और सबके सामने मैं कड़ा हो गया ताकि मैं तुम्हें हासिल कर सकूं लेकिन तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने ना आया करो और ना ही मुझसे रबता करो ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करो मगर ज़ुबिया अभी साइं का पीछा नहीं छोड़ेगी और उसे बार बार मिलने की कोशिश करेगी और जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा तो उसकी खलाई ज़ुबिया और साइं को मिलेगी और साइं से कहेगी कि ज़ुबी ने भी तुम्हारे खातिर इतनी तकलीफें जी ली है और दोनों ने, ने काबी कर लिया है तो अब तुम दोनों एक दूसरे को कैसे छोड़ सकते हो तुम दोनों को तो अब एक होना ही पड़ेगा अगर तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे तो तुम दोनों की मोहब्बत का कोई मतलब ही नहीं और इतनी बदनामी भी हो चुकी है कि कोई इसे कबूल नहीं करेगा ज़ुबी ने साइंब को तो रस्ते में ही छोड़ दिया और जितनी मोहब्बत वो साइंस से करती थी उसका कुछ पल भी वो साइंब के साथ नहीं गुजार सकी और इन दोनों ने जल्दबाजी भी की सबर ना की और घर से भाग गए वैसे भी जुबी का वाह उसकी शादी साइंस से करने के लिए राजी हो गया और वह उसे यही बताने के लिए जा रहा था मगर ज़ुबी और साय घर से भाग कर सबके लिए मुसीबतें कड़े कर दी अब सां ज़ुबी के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता क्योंकि ज़ुबी ने ही उसे छोड़ दिया था और वो उसे छोड़कर कर वहां से चली गई थी साइम ने तो दनिया से बहुत ही ज्यादा मार खाई और फाइनली वो हॉस्पिटल भी पहुंच गया मगर अब वो जूबी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है निकाहते वैसी भी हम दोनों ने कर लिया था मगर अब साइन जूबी को किसी भी तरह से कबूल नहीं करेगा और उसे कहेगा कि तुम मुझे आधे रास्ते में छोड़कर चली गई थी अगर तुम मेरे साथ कुछ वक्त और गुजार लेती तो शायद हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाता लेकिन तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया मैंने तुम्हारी इज्जत भी बचाई मैंने तुम्हें उन लड़कों से भी बचाया जो कि तुम्हारी इज्जत लूटने के थी। लेकिन तुमने भी मेरा नहीं किया। तुम समझती थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और घर से भागने के बाद सब कुछ आसान है मगर ऐसा नहीं है मैंने तो सबसे तुम्हारे लिए लड़ाई की और सबके सामने मैं कड़ा हो गया ताकि मैं तुम्हें हासिल कर सकूं। लेकिन तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने ना आया करो और ना ही मुझसे रबता करो और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करो मगर ज़ुबिया अभी साइं का पीछा नहीं छोड़ेगी और उसे बार बार मिलने की कोशिश करेगी और जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा तो उसकी खलाई ज़ुबी और साइं को मिलेगी और साइं से कहेगी कि ज़ुबी ने भी तुम्हारी खातिर इतनी तकलीफें जी ली है और दोनों ने काबी कर लिया है तो आप तुम दोनों एक दूसरे को कैसे छोड़ सकते हो तुम दोनों को तो अब एक होना ही पड़ेगा अगर तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे तो तुम दोनों की मोहब्बत का कोई मतलब ही नहीं और इतनी बदनामी भी हो चुकी है कि कोई इसे कबूल नहीं करेगा जुबी ने साइन को तो रस्ते में ही छोड़ दिया और जितनी मोहब्बत वो साइन से करती थी उसका कुछ पल भी वो साइन के साथ नहीं गुजार सकी और इन दोनों ने जल्दबाजी भी की ना की और घर से भाग गए वैसे भी जुबी का वाप उसकी शादी साइम से करने के लिए राजी हो गया और वो उसे यही बताने के लिए जा रहा था मगर जुबी और साइम घर से भाग कर सबके लिए मुसीबतें कड़े कर दी अब साइम जुबी के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता क्योंकि जुबी ने ही उसे छोड़ दिया था और वो उसे छोड़कर वहा से चली गई थी साइम ने तो धनिया से बहुत ही ज्यादा मार खाई और फाइनली वो हॉस्पिटल भी पहुंच गया मगर अब वो ज़ूबी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है निकाह वैसी भी हम दोनों ने कर लिया था मगर अब साइंस जूबी को किसी भी तरह से कबूल नहीं करेगा और उसे कहेगा कि तुम मुझे आधे रास्ते में छोड़कर चली गई थी अगर तुम मेरे साथ कुछ वक्त और गुजार लेती तो शायद हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाता लेकिन तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया मैंने तो तुम्हारी इज्जत भी बचाई मैंने तुम्हें उन लड़कों से भी बचाया जो कि तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए आई थी लेकिन तुमने फिर भी मेरा एतबार नहीं किया तुम समझती थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और घर से भागने के बाद सब कुछ आसान है मगर ऐसा नहीं है मैंने तो सबसे तुम्हारे लिए लड़ाई की और सबके सामने मैं कड़ा हो गया ताकि मैं तुम्हें हासिल कर सकूं लेकिन तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने ना आया करो और ना ही मुझसे राता करो और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करो मगर ज़ुबिया भी साइं का पीछा नहीं छोड़ेगी और उसे बार बार मिलने की कोशिश करेगी और जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा तो उसकी खलाई ज़ुबिया और साइं को मिलेगी और साइंस से कहेगी कि जुबी ने भी तुम्हारी खातिर इतनी तकलीफें जी ली है और दोनों ने काबी कर लिया है तो आप तुम दोनों एक दूसरे को कैसे छोड़ सकते हो तुम दोनों को तो अभी एक होना ही पड़ेगा अगर तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे तो तुम दोनों की मोहब्बत का कोई मतलब ही नहीं और इतनी बदनामी भी हो चुकी है कि कोई इसे कबूल नहीं करेगा जुबी ने को तो रस्ते में ही छोड़ दिया और जितनी मोहब्बत वो साइन से करती थी उसका कुछ पल भी वो साइंस के साथ नहीं गुजार सकी और इन दोनों ने जल्दबाजी भी की सबर ना की और घर से भाग गए वैसे भी जुबी का वापस उसकी शादी साइम से करने के लिए राजी हो गया और वो उसे यही बताने के लिए जा रहा था मगर जुबी और साइम घर से भाग कर सबके लिए मुसीबत कड़े कर दी अब साइम जुबी के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता क्योंकि जुबी ने ही उसे छोड़ दिया था और वो उसे छोड़कर वहां से चली गई थी साइन ने तो दानिया से बहुत ही ज्यादा मार खाई और फाइनली वो हॉस्पिटल भी पहुंच गया मगर अब वो जूबी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है निकाहते वैसी भी हम दोनों ने कर लिया था मगर अब साइंस जुबी को किसी भी तरह से कबूल नहीं करेगा और उसे कहेगा कि तुम मुझे आधे रास्ते में छोड़कर चली गई थी अगर तुम मेरे साथ कुछ वक्त और गुजार लेती तो शायद हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाता लेकिन तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया मैंने तुम्हारी इज्जत भी बचाई मैंने तुम्हें उन लड़कों से भी बचाया जो कि तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए आई थी लेकिन तुमने फिर भी मेरा एतबार नहीं किया तुम समझती थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जा जाएगा और घर से भागने के बाद सब कुछ आसान है मगर ऐसा नहीं है मैंने तो सबसे तुम्हारे लिए लड़ाई की और सबके सामने में कड़ा हो गया ताकि मैं तुम्हें हासिल कर सकूँ लेकिन तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने ना आया करो और ना ही मुझसे राबता करो और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करो मगर ज़ुबिया अभी साइं का पीछा नहीं छोड़ेगी और उसे बार बार मिलने की कोशिश करेगी और जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा तो उसकी खलाई ज़ुबिया और साइं को मिलेगी और साइन से कहेगी कि जुबी ने भी तुम्हारी खातिर इतनी तकलीफें जी दी है और दोनों ने काबी कर लिया है तो अब तुम दोनों एक दूसरे को कैसे छोड़ सकती हो तुम दोनों को तो अब एक होना ही पड़ेगा अगर तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे तो तुम दोनों की मोहब्बत का कोई मतलब ही नहीं और इतनी बदनामी भी हो चुकी है कि कोई इसे कबूल नहीं करेगा जुबी ने साइन को तो रस्ते में ही छोड़ दिया और जितनी मोहब्बत वो साइन से करती थी उसका कुछ पल भी वो साइंस के साथ नहीं गुजार सकी और इन दोनों ने जल्दबाजी भी की सबरना की और घर से भाग गए वैसे भी जुबी का वह उसकी शादी सामन से करने के लिए राजी हो गया और उसे यही बताने के लिए जा रहा था मगर जुबी और साय घर से भाग कर सबके लिए मुसीबतें कड़े कर दी अब साइन जुबी के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता क्योंकि जुबी ने ही उसे छोड़ दिया था और वो उसे छोड़कर कर वहां से चली गई थी साइम ने तो दनिया से बहुत ही ज्यादा मार खाई और फाइनली वो हॉस्पिटल भी पहुंच गया मगर अब वो जुबी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है निकाहते वैसी भी हम दोनों ने कर लिया था मगर अब साइम जुबी को किसी भी तरह से कबूल नहीं करेगा और उसे कहेगा कि तुम मुझे आधे रास्ते में छोड़कर चली गई थी अगर तुम मेरे साथ कुछ वक्त और गुजार लेती तो शायद हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाता लेकिन तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया मैंने तुम्हारी इज्जत भी बचाई मैंने उन लड़कों से भी बचाया जो कि तुम्हारी इज्जत लूटने के आई थी लेकिन तुमने फिर भी मेरा इतने बार नहीं किया तुम समझती थी, थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और घर से भागने की बात सब कुछ आसान है मगर ऐसा नहीं है मैंने तो सबसे तुम्हारे लिए लड़ाई की और सबके सामने में कड़ा हो गया ताकि मैं तुम्हें हासिल कर सकूं लेकिन तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने ना आया करो और ना ही मुझसे रब्ता करो और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करो मगर जुबिया अब भी साइन का पीछा नहीं छोड़ेगी और उसे बार बार मिलने की कोशिश करेगी और जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा तो उसकी ख्लाई ज़ुबिया और साइन को मिलेगी और साइन से कहेगी कि जुबी ने भी तुम्हारी खातिर इतनी तकलीफें जी ली है और दोनों ने कहा कर लिया है तो अब तुम दोनों एक दूसरे को कैसे छोड़ सकती हो तुम दोनों को तो अब एक होना ही पड़ेगा अगर तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे तो तुम दोनों की मोहब्बत का कोई मतलब ही नहीं और इतनी बदनामी भी हो चुकी है कि कोई इसे कबूल नहीं करेगा जुबी ने को तो रस्ते में ही छोड़ दिया और जितनी मोहब्बत वो साइन से करती थी उसका कुछ पल भी वो साइन के साथ नहीं गुजार सकी और इन दोनों ने जल्दबाजी भी की ना की और घर से भाग गए वैसे भी जुबी का वाप उसकी शादी सामन से करने के लिए राजी हो गया और वो उसे यही बताने के लिए जा रहा था मगर जुबी और साइम घर से भाग कर सबके लिए मुसीबतें कड़े कर दी अब साइन ज़ुबी के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता क्योंकि जुबी ने ही उसे छोड़ दिया था और वो उसे छोड़कर कर वहां से चली गई थी साइम ने तो धनिया से बहुत ही ज्यादा मार खाई और फाइनली वो हॉस्पिटल भी पहुंच गया मगर अब वो जुबी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है निकाह वैसे भी हम दोनों ने कर लिया था मगर अब साइम जूबी को किसी भी तरह से कबूल नहीं करेगा और उसे कहेगा कि तुम मुझे आधे रास्ते में छोड़कर चली गई थी अगर तुम मेरे साथ कुछ वक्त और गुजार लेती तो शायद हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाता लेकिन तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया मैंने तुम्हारी इज्जत भी बचाई मैंने तुम्हें उन लड़कों से भी बचाया जो कि तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए थी। लेकिन तुमने भी मेरा बार नहीं किया। तुम समझते थे कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और घर से भागने के बाद सब कुछ आसान है मगर ऐसा नहीं है मैंने तो सबसे तुम्हारे लिए लड़ाई की और सबके सामने मैं कड़ा हो गया ताकि मैं तुम्हें हासिल कर सकूं। लेकिन तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने ना आया करो और ना ही मुझसे राबता करो और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करो मगर ज़ुबिया अभी साइं का पीछा नहीं छोड़ेगी और उसे बार बार मिलने की कोशिश करेगी और जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा तो उसकी खलाई जुबी और साइं को मिलेगी और साइंस से कहेगी कि ज़ुबी ने भी तुम्हारी खातिर इतनी तकलीफें जी दी है और दोनों ने काबी कर लिया है तो आप तुम दोनों एक दूसरे को कैसे छोड़ सकते हो तुम दोनों को तो अब एक होना ही पड़ेगा अगर तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे तो तुम दोनों की मोहब्बत का कोई मतलब ही नहीं और इतनी बदनामी भी हो चुकी है कि कोई इसे कबूल नहीं करेगा जुबी ने साइम को तो रस्ते में ही छोड़ दिया और जितनी मोहब्बत वो साइंस से करती थी उसका कुछ पल भी वो साइंब के साथ नहीं गुजार सकी और इन दोनों ने जल्दबाजी भी की सबर ना की और घर से भाग गए वैसी भी जुबी का वाप उसकी शादी साइन से करने के लिए राजी हो गया और वो उसे यही बताने के लिए जा रहा था मगर जुबी और साय घर से भाग कर सबके लिए मुसीबत कड़े कर दी अब साइन जुबी के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता क्योंकि जुबी ने ही उसे छोड़ दिया था और वो उसे छोड़कर कर वहां से चली गई थी साइम ने तो धनिया से बहुत ही ज्यादा मार खाई और फाइनली वो हॉस्पिटल भी पहुंच गया मगर अब वो जुबी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है निकाहते वैसे भी हम दोनों ने कर लिया था मगर वह साइंस जब भी को किसी भी तरह से कबूल नहीं करेगा और उसे कहेगा कि तुम मुझे आधे रास्ते में छोड़ कर चली गई थी अगर तुम मेरे साथ कुछ वक्त और गुजार लेती तो शायद हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाता लेकिन तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया मैंने तुम्हारी इज्जत भी बचाई मैंने तुम्हें उन लड़कों से भी बचाया जो कि तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए आई थी लेकिन तुमने फिर भी मेरा एतबार नहीं किया तुम समझती थे कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और घर से भागने के बाद सब कुछ आसान है मगर ऐसा नहीं है मैंने तो सबसे तुम्हारे लिए लड़ाई की और सबके सामने मैं कड़ा हो गया ताकि मैं तुम्हें हासिल कर सकूं लेकिन तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने ना आया करो और ना ही मुझसे राबता करो और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करो मगर ज़ुबिया भी साइं का पीछा नहीं छोड़ेगी और उसे बार बार मिलने की कोशिश करेगी और जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा तो उसकी खलाई ज़ुबिया और साई को मिलेगी और सां से कहेगी कि जुबी ने भी तुम्हारी खातिर इतनी तकलीफें जी दी है और दोनों ने काबी कर लिया है तो अब तुम दोनों एक दूसरे को कैसे छोड़ सकती हो तुम दोनों को तो अब एक होना ही पड़ेगा अगर तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे तो तुम दोनों की मोहब्बत का कोई मतलब ही नहीं और इतनी बदनामी भी हो चुकी है कि कोई इसे कबूल नहीं करेगा जुबी ने को तो रस्ते में ही छोड़ दिया और जितनी मोहब्बत वो साइम से करती थी उसका कुछ पल भी वो साइन के साथ नहीं गुजार सकी और इन दोनों ने जल्दबाजी भी की ना की और घर से भाग गए वैसे भी जुबी का वह उसकी शादी साइम से करने के लिए राजी हो गया और वो उसे यही बताने के लिए जा रहा था मगर जुबी और साइम घर से भाग कर सबके लिए मुसीबतें कड़े कर दी अब साइम ज़ुबी के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता क्योंकि जुबी ने ही उसे छोड़ दिया था और वो उसे छोड़कर वहां से चली गई थी साइम ने तो दानिया से बहुत ही ज्यादा मार खाई और फाइनली वो हॉस्पिटल भी पहुंच गया मगर अब वो जूबी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है निकाहते वैसी भी हम दोनों ने कर लिया था मगर अब साइंस जुबी को किसी भी तरह से कबूल नहीं करेगा और उसे कहेगा कि तुम मुझे आधे रास्ते में छोड़कर चली गई थी अगर तुम मेरे साथ कुछ वक्त और गुजार लेती तो शायद हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाता लेकिन तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया मैंने तुम्हारी इज्जत भी बचाई मैंने तुम्हें उन लड़कों से भी बचाया जो कि तुम्हारी इज्जत लौटने के लिए आई थी लेकिन तुमने फिर भी मेरा एतबार नहीं किया तुम समझते थे कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और घर से भागने के बाद सब कुछ आसान है, मगर ऐसा नहीं है मैंने तो सबसे तुम्हारे लिए लड़ाई की और सबके सामने मैं कड़ा हो गया ताकि मैं तुम्हें हासिल कर सकूं लेकिन तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने ना आया करो અનહી મુસે رابطہ કરો નહી મુસે મિલને કી કોશિશ કરો મગર જોબિયા બી સાયં કા પીછા નહી છોડેગી ઓર ઉસે બાર બાર મિલને કી કોશિશ કરેગી ઓર જબ ઉસે કોઈ રસ્તા નજર નહી આયેગા તો ઉસકી ખલાઇ ઝુબિયા ઓર સાયં કો મિલેગી ઓર સાયં સે કે કી ઝુબી નહી તુમરે ખાતર ઇતની તકલીફ એજીલી હે ઓર દોનોને કાવિકર લિયા હે તો આપ તુમ દોનો એક દુસરી કો કૈસે છોડ સકતે હો તુમ દોનો કો તો હવે એક હોના હી પડેગા અગર તુમ દોનો એસા નહી કરોગે તો તુમ દોનો કી mohabbat કા કોઈ મતલબ હી નહી ઓર ઇતની બદનામી ભી હો ચુકી હે કે કોઈ ઇસે કબૂલ નહી કરેગા ज़ुबी ने साइंब को तो रस्ते में ही छोड़ दिया और जितनी मोहब्बत वो साइंस से करती थी उसका कुछ पल भी वो साइंब के साथ नहीं गुजार सकी और इन दोनों ने जल्दबाजी भी की सवर ना की और घर से भाग गए वैसे भी जुबी का वाह उसकी शादी साइंस से करने के लिए राजी हो गया और वह उसे यही बताने के लिए जा रहा था मगर ज़ुबी और साइंब घर से भाग कर सबके लिए मुसीबतें कड़े कर दी अब साइन ज़ुबी के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता क्योंकि ज़ुबी ने ही उसे छोड़ दिया था और वो उसे छोड़कर कर वहां से चली गई थी साइम ने तो दनिया से बहुत ही ज्यादा मार खाई और फाइनली वो हॉस्पिटल भी पहुंच गया मगर अब वो जुबी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है निकाहते वैसी भी हम दोनों ने कर लिया था मगर अब साइम जुबी को किसी भी तरह से कबूल नहीं करेगा और उसे कहेगा कि तुम मुझे आधे रास्ते में छोड़कर चली गई थी अगर तुम मेरे साथ कुछ वक्त और गुजार लेती तो शायद हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाता लेकिन तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया मैंने तुम्हारी इज्जत भी बचाई मैंने तुम्हें उन लड़कों से भी बचाया जो कि तुम्हारी इज्जत लूटने के थी। लेकिन तुमने भी मेरा नहीं किया। तुम समझती थी, थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और घर से भागने के बाद सब कुछ आसान है मगर ऐसा नहीं है मैंने तो सबसे तुम्हारे लिए लड़ाई की और सबके सामने मैं कड़ा हो गया ताकि मैं तुम्हें हासिल कर सकूं। लेकिन तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने ना आया करो और ना ही मुझसे रबता करो और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करो मगर ज़ुबिया अभी साइं का पीछा नहीं छोड़ेगी और उसे बार बार मिलने की कोशिश करेगी और जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा तो उसकी खलाई ज़ुबी और साइं को मिलेगी और साइं से कही कि ज़ुबी ने भी तुम्हारी खातिर इतनी तकलीफें जी ली है और दोनों ने काबी कर लिया है तो अब तुम दोनों एक दूसरे को कैसे छोड़ सकते हो तुम दोनों को तो अब एक होना ही पड़ेगा अगर तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे तो तुम दोनों की मोहब्बत का कोई मतलब ही नहीं और इतनी बदनामी भी हो चुकी है कि कोई इसे कबूल नहीं करेगा जुबी ने साइं को तो रस्ते में ही छोड़ दिया और जितनी मोहब्बत वो साइंस से करती थी उसका कुछ पल भी वो साइंस के साथ नहीं गुजार सकी और इन दोनों ने जल्दबाजी भी की ना की और घर से भाग गए वैसे भी जुबी का बाप उसकी शादी साइम से करने के लिए राजी हो गया और वो उसे यही बताने के लिए जा रहा था मगर जुबी और साइम घर से भाग कर सबके लिए मुसीबत कड़े कर दी अब साइम जुबी के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता क्योंकि जुबी ने ही उसे छोड़ दिया था और वो उसे छोड़कर वहा से चली गई थी साइम ने तो धनिया से बहुत ही ज्यादा मार खाई और फाइनली वो हॉस्पिटल भी पहुंच गया मगर अब वो ज़ूबी की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं निकाह वैसी भी हम दोनों ने कर लिया था मगर अब साइंस ज़ूबी को किसी भी तरह से कबूल नहीं करेगा और उसे कहेगा कि तुम मुझे आधे रास्ते में छोड़कर चली गई थी अगर तुम मेरे साथ कुछ वक्त और गुजार लेती तो शायद हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाता लेकिन तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया मैंने तो तुम्हारी इज्जत भी बचाई मैंने तुम्हें उन लड़कों से भी बचाया जो कि तुम्हारी इज़्ज़त लौटने के लिए आई थी लेकिन तुमने फिर भी मेरा एतबार नहीं किया तो समझते लीजिए कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और घर से भागने के बाद सब कुछ आसान है मगर ऐसा नहीं है मैंने तो सबसे तुम्हारे लिए लड़ाई की और सबके सामने मैं कड़ा हो गया ताकि मैं तुम्हें हासिल कर सकूं लेकिन तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने ना आया करो और ना ही मुझसे रब्ता करो और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करो मगर जुबिया भी साइं का पीछा नहीं छोड़ेगी और उसे बार बार मिलने की कोशिश करेगी और जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा तो उसकी ख्लाई जुबिया और साय को मिलाएगी और से कि ज़ुबी ने भी तुम्हारे खातिर इतनी तकलीफें जी दी है और दोनों ने नाबी कर लिया है तो आप तुम दोनों एक दूसरे को कैसे छोड़ सकते हो तुम दोनों को तो अब एक होना ही पड़ेगा अगर तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे तो तुम दोनों की मोहब्बत का कोई मतलब ही नहीं और इतनी बदनामी भी हो चुकी है कि कोई इसे कबूल नहीं करेगा जुबी ने साइन को तो रस्ते में ही छोड़ दिया और जितनी मोहब्बत वो साइंस से करती थी उसका कुछ पल भी वो साइन के साथ नहीं गुजार सकी और इन दोनों ने जल्दबाजी भी की सबरना की और घर से भाग गए वैसे भी जुबी का बाप उसकी शादी साइम से करने के लिए राजी हो गया और वो उसे यही बताने के लिए जा रहा था मगर जुबी और साइम घर से भाग कर सबके लिए मुसीबत कड़े कर दी अब साइम ज़ुबी के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता क्योंकि जुबी ने ही उसे छोड़ दिया था और वो उसे छोड़कर वहां से चली गई थी साइम ने तो दानिया से बहुत ही ज्यादा मार खाई और फाइनली वो हॉस्पिटल भी पहुंच गया मगर अब वो जूबी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है निकाहते वैसी भी हम दोनों ने कर लिया था मगर वह साइंस जुबी को किसी भी तरह से कबूल नहीं करेगा और उसे कहेगा कि तुम मुझे आधे रास्ते में छोड़कर चली गई थी अगर तुम मेरे साथ कुछ वक्त और गुजार लेती तो शायद हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाता लेकिन तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया मैंने तुम्हारी इज्जत भी बचाई मैंने तुम्हें उन लड़कों से भी बचाया जो कि तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए आई थी लेकिन तुमने फिर भी मेरा एतबार नहीं किया तुम समझती थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जा जाएगा और घर से भागने के बाद सब कुछ आसान है मगर ऐसा नहीं है मैंने तो सबसे तुम्हारे लिए लड़ाई की और सबके सामने में कड़ा हो गया ताकि मैं तुम्हें हासिल कर सकूँ लेकिन तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने ना आया करो और ना ही मुझसे राबता करो और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करो मगर ज़ुबिया भी साइं का पीछा नहीं छोड़ेगी और उसे बार बार मिलने की कोशिश करेगी और जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा तो उसकी खलाई ज़ुबिया और साइं को मिलेगी और साइन से कहेगी कि जुबी ने भी तुम्हारी खातिर इतनी तकलीफें भेजी दी है और दोनों ने काबी कर लिया है तो अब तुम दोनों एक दूसरे को कैसे छोड़ सकते हो तुम दोनों को तो अब एक होना ही पड़ेगा अगर तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे तो तुम दोनों की मोहब्बत का कोई मतलब ही नहीं और इतनी बदनामी भी हो चुकी है कि कोई इसे कबूल नहीं करेगा जुबी ने साइन को तो रस्ते में ही छोड़ दिया और जितनी मोहब्बत वो साइन से करती थी उसका कुछ पल भी वो साइन के साथ नहीं गुजार सकी और इन दोनों ने जल्दबाजी भी की ना की और घर से भाग गए वैसे भी जुबी का वापस उसकी शादी साइम से करने के लिए राजी हो गया और वो उसे यही बताने के लिए जा रहा था मगर जुबी और साइम घर से भाग कर सबके लिए मुसीबतें कड़े कर दी अब साइम जुबी के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता क्योंकि जुबी ने ही उसे छोड़ दिया था और वो उसे छोड़कर वहां चली गई थी साइम ने तो दानिया से बहुत ही ज्यादा मार खाई और फाइनली वो हॉस्पिटल भी पहुंच गया मगर अब वो जूबी की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है निकाहते वैसी भी हम दोनों ने कर लिया था मगर अब साइंस ज़ुबी को किसी भी तरह से कबूल नहीं करेगा और उसे कहेगा कि तुम मुझे आधे रास्ते में छोड़कर चली गई थी अगर तुम मेरे साथ कुछ वक्त और गुजार लेती तो शायद हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाता लेकिन तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया मैंने तुम्हारी इज्जत भी बचाई मैंने तुम्हें उन लड़कों से भी बचाया जो कि तुम्हारी इज़्ज़त लौटने के लिए आई थी लेकिन तुमने फिर भी मेरा एतबार नहीं किया तुम समझती थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और घर से भागने के बाद सब कुछ आसान है मगर ऐसा नहीं है मैंने तो सबसे तुम्हारे लिए लड़ाई की और सबके सामने मैं कड़ा हो गया ताकि मैं तुम्हें हासिल कर सकूं लेकिन तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने ना आया करो और ना ही मुझसे रबता करो और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करो मगर ज़ुबिया अब भी साइं का पीछा नहीं छोड़ेगी और उसे बार बार मिलने की कोशिश करेगी और जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा तो उसकी खलाई ज़ुबी और साइं को मिलेगी और साइं से कहेगी कि ज़ुबी ने भी तुम्हारी खातिर इतनी तकलीफें जी ली है और दोनों ने काबी कर लिया है तो आप तुम दोनों एक दूसरे को कैसे छोड़ सकते हो तुम दोनों को तो अभी एक होना ही पड़ेगा अगर तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे तो तुम दोनों की मोहब्बत का कोई मतलब ही नहीं और इतनी बदनामी भी हो चुकी है कि कोई इसे कबूल नहीं करेगा जुबी ने साइं को तो रस्ते में ही छोड़ दिया और जितनी मोहब्बत वो साइंस से करती थी उसका कुछ पल भी वो साइंब के साथ नहीं गुजार सकी और इन दोनों ने जल्दबाजी भी की ना की और घर से भाग गए वैसे भी जुबी का वाप उसकी शादी साइम से करने के लिए राजी हो गया और वो उसे यही बताने के लिए जा रहा था मगर जुबी और साइम घर से भाग कर सबके लिए मुसीबत कड़े कर दी अब साइन जुबी के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता क्योंकि ज़ुबी ने ही उसे छोड़ दिया था और वो उसे छोड़कर कर वहां से चली गई थी साइन ने तो दनिया से बहुत ही ज्यादा मार खाई और फाइनली वो हॉस्पिटल भी पहुंच गया मगर अब वो जुबी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है निकाह वैसे भी हम दोनों ने कर लिया था मगर अब साइन जूबी को किसी भी तरह से कबूल नहीं करेगा और उसे कहेगा कि तुम मुझे आधे रास्ते में छोड़कर चली गई थी अगर तुम मेरे साथ कुछ वक्त और गुजार लेती तो शायद हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाता लेकिन तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया मैंने तुम्हारी इज्जत भी बचाई मैंने तुम्हें उन लड़कों से भी बचाया जो कि तुम्हारी इज्जत लूटने के थी। लेकिन तुमने भी मेरा नहीं किया। तुम समझते थे कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और घर से भागने के बाद सब कुछ आसान है मगर ऐसा नहीं है मैंने तो सबसे तुम्हारे लिए लड़ाई की और सबके सामने मैं कड़ा हो गया ताकि मैं तुम्हें हासिल कर सकूं। लेकिन तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने ना आया करो और ना ही मुझसे राता करो और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करो मगर ज़ुबिया अभी साइं का पीछा नहीं छोड़ेगी और उसे बार बार मिलने की कोशिश करेगी और जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा तो उसकी खलाई ज़ुबिया और साइं को मिलेगी और साइंस से कहेगी कि ज़ुबी ने भी तुम्हारी खातिर इतनी तकलीफें जी ली है और दोनों ने काबी कर लिया है तो आप तुम दोनों एक दूसरे को कैसे छोड़ सकते हो तुम दोनों को तो अभी एक होना ही पड़ेगा अगर तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे तो तुम दोनों की मोहब्बत का कोई मतलब ही नहीं और इतनी बदनामी भी हो चुकी है कि कोई इसे कबूल नहीं करेगा जुबी ने साइन को तो रस्ते में ही छोड़ दिया और जितनी मोहब्बत वो साइंस से करती थी उसका कुछ